अपनी आदतों को हवाला देना चाहते हैं। सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि सत्य जहाँ है वही है, उसे हम बदल नहीं सकते, उसे हम मोड़ नहीं सकते, उसे हम तोड़ नहीं सकते। वो था, है और रहेगा। अज्ञान में हम उसे जानते नहीं, लेकिन हमारे बारे में भी एक बड़ा सत्य है कि हम ये शरीर बुद्धि आत्मा के सिवाय और कुछ नहीं। इसे हम शरीर बुद्धि और अहंकार आदि उपाधियों से जानते हैं, वो आत्मा ही है और आत्मा के बगैर कुछ भी नहीं। ये एक बहुत बड़ा सत्य है जिसे हमें जानना है। दूसरा सत्य है कि ये सारी सृष्टि चराचर की सृष्टि एक सूक्ष्म शक्ति है, इसे हम कहेंगे कि परमात्मा की प्रेम की शक्ति है। कोई इसे परम चैतन्य कहता है और कोई इसे परमात्मा की इच्छा शक्ति कहता है। परमात्मा की इच्छा केवल एक ही है कि आप इस शक्ति से संबंधित हो जाए, आपका योग भी हो जाए और आप उनके साम्राज्य में आकर के आनंद से भगवान वो पिता परमात्मा सब पिताओं का पिता अत्यंत दया अत्यंत प्रेम है अपने सब बच्चों की बात। इसलिए ये कहना कि हमें अपने शरीर को यात्रा देनी है, तकलीफ देनी है, ये पिता के साथ एक तरह की छलना। कोई भी मां से जब आप नाराज होते हैं तो आप कहते हैं कि अच्छा तो मैं भूखा या आपके मुंह पे दो चपे मार, इससे आपको दुखी होता है, सुख तो होने वाला नहीं। तो सिर्फ एक ही बात को आप समझ लीजिए कि परमात्मा नहीं चाहती कि आप किसी प्रकार का भी दुख भोगे, किसी तरह की यातना भी आप, वो चाहते हैं कि सहज में ही आप उस गति को प्राप्त करें इसमें आपकी सारी यथाए जो अज्ञान के कारण है वो नष्ट हो सके, आप बिना आनंद में ब्रह्मांड हो। उसकी भी पूर्ण व्यवस्था हमारे अंदर परमात्मा ने की हुई, जैसे कि डॉक्टर साहब ने आपसे बताया कि कुंडलिनी की व्यवस्था हमारे अंदर त्रिकोणाकार किए है और इसके जागरूक से आपका संबंध उस सूक्ष्म सृष्टि से हो जाता है जो सृष्टि सारा संसार को चलाती है, सारे संसार में विचरण करती है और सोचती है, समझती है, इसको प्लावित करती है, इसका सृजन करती है और सबसे अधिक इस सृष्टि के अंदर जो सबसे ऊंचा पहुंचा हुआ मनुष्य मनुष्य प्राणी है उससे अत्यंत प्रेम है। अब सिर्फ इस मनुष्य स्थिति में आने के बाद एक और स्थिति बनती है जिसे अभी प्राप्त करना है, जहाँ जैसे मैंने कहा था कि प्रथम सत्य है जहाँ आप आत्मा हो जाए। आजकल के जमाने में हर तरह की गलत सनक प्रणालियां चल और इस तरह की भी बातें मैंने सुनी है कि जिसमें लिखा जाता है कि कुंडलिनी का जागरण बड़ा कठिन है और उसमें बहुत यात्रा है, ये सब आजकल की ही बात है। हजारों वर्ष से ही मार्कंडेय स्वामी ने इस मामले में लिखा है कि कुंडलिनी के जागरण के सिवा हम आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं कर सकते। उसके बाद अनेक ऋषि मुनियों ने इसके बारे में कहा, रामायण में भी आपने सुना होगा और उसके बाद हर प्रांत में हर जगह हर बार जब भी कोई विभूति पैदा हुई तो उन्होंने यही कहा है कि आप जागृति कराए और इस कुंडलिनी के द्वारा उस मोक्ष को प्राप्त करें। महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर जी ने इसमें बहुत कुछ लिखा और अभी अभी तक गुरु नानक साहब ने भी इस पर बहुत विवेचन किया है। इतना ही नहीं पर कबीरदास जी ने तो उसको बहुत खोल कर पर काव्यमय कहने के कारण लोगों के कुछ बात समझते नहीं, फिर दोहरा के वो कहते हैं कैसे समझाऊं सब जल अंधा। ये अंधापन वो ये है कि हम ये नहीं समझते कि जब तक हमारा परमात्मा से संबंध नहीं होता है
तब तक हम कोई भी कोशिश करें, कोई भी मेहनत करें, तो वहां तक कैसे पहुंचेगा? जैसे कि टेलीफोन है, जब तक आपका टेलीफोन का संबंध किसी और टेलीफोन से नहीं हो, तो उसको गुमान से क्या है? इसलिए बहुत से लोग मेरे पास आकर कहते हैं, मरा हम तो इतना भगवान को मानते हैं, पूजा करी हमने, इतने व्रत वैकुंठ करे, अब यहाँ गए वहाँ गए, और हम क्यों ऐसे? सीधी बात है, आपका ये संबंध है, ये लंबा संबंध हो रहा है, और इसको अनेक लोगों ने विपरीत तरीके से इस्तेमाल किया है, और बहुत बुरे ढंग से उन्होंने इस चीज को सामने रखा और कहा कि इसमें ऐसा काम करने से ब्रह्म संबंध हो जाएगा, ऐसा काम करने से ब्रह्म संबंध हो जाएगा। इतना ही नहीं, परमात्मा के नाम से परमात्मा को पैसा बैंक जरूरी है, ये तो मनुष्य का संदर्भ है, भगवान को क्या मालूम पैसा क्या चीज है? तो भगवान के नाम पर पैसा लेने से फायदा क्या, इसको समझ ही नहीं आता पैसा क्या चीज। लेकिन हर जगह आप देखिए भगवान के नाम पर इतना पैसा रखो, हर घर के लिए बात है, कोई अपनी हिंदू घर में या सिखों में या ईसाइयों में बात है, इसलिए हर घर में ये बात है कि हर उसको इसी तरह से कहता है कि अगर आपको घर को पार करना है तो पैसा पैसा नहीं दो, चांदी की कोई चीज दो, ये कोई चीज दो, अनेक चीज दो। अरे परमात्मा के तो पांव के ठोकरों में भी ये नहीं है, उसके धूल के बराबर भी नहीं है चीजें, वो तो ऐसा वो तो आप जैसे सत्य को खोजने वालों की साधु को भी खोज रहे उन्हीं के और उन्हीं का वो कल्याण, आपका कल्याण आप के अंदर ही कहीं हमारे प्यारे की जरूरत हो काहे रे दर खोजे न जाए कहे नानक बिना आपा चीजें मिटे न पाऊंगी का, जब तक अपना आपा नहीं आप जानोगे तब तक सब मिल जाएगा। हम कहते हैं ये मेरा घर, ये मेरे बच्चे, ये मेरे पति, ये मेरे मेरे रिश्तेदार, सब मेरे मेरे हैं, पर वो मैं कौन उसके लिए सब वहाँ पहुंचे कि मैं कौन जब पहुंचते ही मैं कौन हूँ तो हमने अंदर जाना नहीं कि मैं कौन आपके साथ आपके सामने अंतराया हुआ है और जो आपको विशद रूप से यहाँ पर कुछ डॉक्टर्स वगैरह उनको समझा देंगे कि इसका समझदार से पैकिंग कर सकते हैं क्या होता है और किस तरह से कुंडली के जागरण से हमारी प्रक्रिया को एक सर्वसाधारण तरीके से मैं आपको समझा सकता हूँ। समझ लीजिए कि ये हमारी वेबसाइट है और ये हमारी वेबसाइट है, ये दोनों हमारे पीठ के रीढ़ के हड्डी में इस तरह से बैठ गए और इसके बीच में चक्र तैयार। अब या तो लेफ्ट में जा सकते हैं, राइट में इसको सिर्फ टच कर सकते हैं, हम ऊपर नहीं ऊपर लगे को प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए जो आदमी बहुत ज्यादा अपने भावनाओं से खेलता है, अपने भूतकाल में रमा रहता है, हर समय जो बोलते रहता है कि क्या मेरा भूतकाल था, मैं कहाँ पहुंच रहा, ये क्या बोल रहा है, वो तो आपका लक्ष्य ही चला जाए। और जो मनुष्य आगे की बात सोचता है, हमेशा भविष्य की बात सोचता है, हर समय ये सोचता है कि मुझे क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, क्या नहीं करना है, हर समय वो पैसा ही चला जाए। और बीच में आने के लिए उसको कोई मान नहीं, या तो हम पिछला सोचते हैं या अगला सोचते हैं, मानो जैसे जो भी विचार हमारे अंदर एक बार उठा जाता है फिर उसका विचार उठा जाता है, हम उसके ऊपर नाचते रहते। इन दोनों के बीच में एक जगह है जो वर्तमान, उस वर्तमान में करने के लिए भी कुंडलिनी का जागरण होना चाहिए। जब कुंडलिनी का जागरण होता है तो सबसे पहले आपके अंदर एक स्थिति प्राप्त होती है जिसे निर्विचार समाधि कहनी चाहिए, इसका वर्णन हर योग में पाठ्य यह पहली स्थिति आपको प्राप्त होनी चाहिए जहाँ निर्विचार। लेकिन निर्विचार समाधि में समाधि माने सतत आप सतत कोई आप निद्रा में नहीं जाते, आपको कोई चक्कर नहीं आ जाते, आपको बेहोश नहीं हो जाते, लेकिन आप अत्यंत सतत और अंदर के विचार अपनी शांति में। अब देखिए अगर कोई सुंदर स्थिति प्राप्त होगी उसे देखने साथ आपके दिमाग में विचार चलेगा कि ये कैसे चीज मैं पाऊं, इसको कैसे ले लूं, अगर वो मेरी चीज हो तो और सतर्क। लेकिन जब कोई विचार ही नहीं आया
तो वो सुंदर चीज को बनाने वाला है जो उसमें आनंद है, वो पूरा की पूरा आपके अंदर ऐसा बहने लग जाता है जैसे गंगा यमुना दोनों तरफ से आनंद बहे। ये अनुभव कहने के लिए भाषण देने के लिए इसका अनुभव होना चाहिए। जब तक ये अनुभव सिद्ध नहीं होगा तब तो व्यक्त और यही अनुभव को प्राप्त करना ही राष्ट्रीय भाषा आत्मा को सच्चिदानंद स्वरूप माने आत्मा को प्राप्त करने पे आप सत्य को जानते। सत्य को जानने माने क्या? अभी तक हम जो सत्य जानते हैं वो पारस्परिक रिलेटिव माने ये कोई ना कोई ये सत्य है, कोई ना कोई वो सत्य है, वो कहता वो एक चीज नहीं है कि सब मिलकर दिखाई देती। इसकी वजह यह है कि अभी तक सत्य का अनुभव हमने जब हमारी आत्मा हमारे चित्त में आ जाती है उस प्रकाश में हम केवल सत्य अंग्रेजी में कहना चाहिए एब्सोल्यूट केवल सत्य को मानते और असत्य को भी जानते क्योंकि जो सत्य है वो असत्य है। सब लोग जितने भी लोग आपको साक्षात्कार वो एक ही बात है उसमें न झगड़ा होता न पाठ की बाजू होगी या कोई अब हमारा सदस्य चालीस देशों में चला है हर जगह अलग अलग कभी और वो सब जब भी सम्मिलित होते ना कोई ऐसी बात सब आपस में एक जैसे एक साथ ही दूर में ले आयोजित होते जैसे मानो सब के जो छोटे छोटे बिंदु थे सागर से बने हुए लहरा ऐसी आनंद की चीज होनी हुई हवा और इसीलिए आपको साक्षात्कार का ये कार्य आज इस सत्र में ही होना ये कार्य कभी नहीं हो सकता। ये तो पेड़ पर दूसरे से फल हो गए लेकिन आज समय ऐसा आया है कि बाहर आ गई है देखिए इतने सारे साधन पहले कहाँ ये कल्पित ही कमाल और इस कल्पित में ही ये चीज होने वाली है कि मनुष्य सत्य को खोजेगा क्योंकि वो सम्मान परेशान टेंशन है आपत है बीमारी है फिर वो जब सत्य को सोचता है तो उसका चीज आत्मा के प्रकाश से उसका शुद्ध हो जाता है और इसके कारण उसकी सारी जो शारीरिक व्यथा है और व्यथा है सब कष्ट कोई भी प्रकार की व्याधि नहीं है सकती और कभी वो भी अभी तक व्याधियाँ कौन सी हो जाती है आपको मालूम होगा दूसरी में भी डॉक्टर वो जुड़े ऐसे बीमारियां ठीक कर ली जो सर्वसाधारण तरीके से देखी और वो ठीक हो गई और इस प्रकार लंदन में भी 60 डॉक्टर लोग जरूर भर्तियां कर रहे हैं और वो हमसे बात कोई खुशी बात सुनाए कभी है कि अभी हम ऑस्ट्रेलिया गए थे तो वक्त में दो पेशेंट्स थे बिल्कुल मन की हालत में आए एड्स फंक्शन से वो 10 मिनट में और दो तीन बार फोन आ गया कि वहाँ बिल्कुल ठीक चल रहे हैं उसके भी इश्यू बात लोगों ने शराब पीना जैसा लेना ड्रग लेना एक हाथ अपने देश में तरह कह लेता है और बाहर के लोग बड़े जरूर करते क्योंकि हम लोगों के सामने बड़े बड़े आदर्श हैं और हमने देखा सीना सर बड़े बड़े आदर्श इसकी वजह से हमारे अंदर उन आदर्शों को प्राप्ति करने से करने का विचार न रखते हुए उन आदर्शों की सिर्फ हम कॉपी करते हैं लेकिन उसको हम पाना नहीं चाहते पर प्रदेश में ये आदर्श कभी नहीं रहे उनको देखते ही सब हम एकदम गायब हो जाते हैं और एकदम इस चीज को पकड़ लेते हैं। एक रात में लोगों ने ड्रग छोड़ दिया शराब पीना छोड़ दिया दुनिया भर की गंदी आदतें और इतने सुंदर हो गए हैं कि जैसे कीचड़ भरे एक सरोवर में कितने तो की कमल की मैं तो पहले कह रही थी कि बाबा कबीर सिंह को जाने आपसे एक खराब पर वाइब्रेशन है वहाँ चैतन्य है ही नहीं आप कहाँ मेरे पति को मेरे चुनने भेजा है लेकिन मैंने देखा कि वहाँ कमल की कलियाँ हैं और वही कमल खिल गए और सब जने सुरक्षित हम लोगों में भी अभी ये समझ में नहीं आता है कि इन देशों में बहुत सारे संसारिक प्रगति यही कोई प्रगति नहीं
इनके आप हालत में सुनिए, आप निश्चिंत हो, माँ बाप का कुछ ठिकाना है, बच्चे 12 साल से ही डर देते हैं, माँ बाप को मार डालते हैं, दादा दादी को मार डालते हैं, माँ बाप बच्चों को मार डालते हैं। लंदन शहर के अंदर एक हफ्ते में 2 बच्चे माँ बाप मारा, आपको विश्वास नहीं होगा इन लोगों को क्या हो सकता, इनके हृदय सूख गए हैं कि क्या बात है, ये बच्चों से कल आकर उनको बोल के मार रहे हैं। हर रोज वहाँ इस तरह की चीजें सुन सुन के मैं हैरान हूँ कैसे ये कर सकते हैं ऐसी बात। अभी भी भारत वर्ष में ऐसे लोग हैं जो अत्यंत प्रेम से उनके अंदर इतना प्रेम है, इतना आदर है, ये सब उन लोगों ने इनकी जो भी प्रगति की है वो बड़ी महान प्रगति है। जैसे कि कोई पेड़ बढ़ जाए और उसके अपने रूप का पता न हो, उसके कारण शुष्क हो, सिर्फ शुष्क हो और उसके मूल आपके देश इस श्लोक भूमि में उसका मूल है और इस देश से जाने वाली चीज है, यही आपका धरोहर, यही आपका हेरिटेज और सारी दुनिया आपके चरणों में बन जाएगी, इसलिए वो जानेगी कि यहाँ लोग मुझे आपके साथ इतना सब होते हुए भी मिलते हैं हिंदुस्तान में सहयोगी में कहीं कोई क्योंकि यहाँ तो चैतन्य चारों तरफ है। आप जानते ही कि भारत वर्ष में जन्म लेने के लिए आपने लगा है, ये पूरे ये ऐसा बड़ा देश है, इतना महान देश है, ऊपरी ऊपरी चीजों को आप देखते हैं और इसकी जनता को आप जानते हैं। एक बार मैं अपने पति के साथ आ रही थी तो यहाँ से मैंने कहा कि आज हिंदुस्तान छू गया, तो आप कैसे कह रहे हैं हिंदुस्तान छू गया, मैं कर देखिए सब कुछ चैतन्य कला है, तो वो क्या कि पायलट से पूछा से कहा कि अभी छुआ हूँ एकदम चारों तरफ यहाँ चैतन्य फैला, मैं अभी रास्ते से आ रही थी यही देख रही थी कि हरियाणे में इतना चैतन्य है। शाकंभरी देवी का यहाँ पर हुआ था शायद आपने पूछा और शाकंभरी देवी का यहाँ और मेरठ इस सब जगह बहुत बड़ा कार्य और इसीलिए आपको यहाँ की खेल कूद पाली हो ये उनकी कृपा। इसी प्रकार आपको ये भी याद देना चाहिए इस भारत अनेक साधु संतों ने समझाया यहाँ बड़े बड़े महान उपकरण बने जैसे श्री राम जैसे देवी ने अनेक अवतार धारण लेकर के और साधुओं को अनुराग, तो आज वही दिन आया है कि उनकी जो परंपराएं लोगों ने ली थी जो हमारे ऊपर इतने दिनों से हमारा धोखा बन गए छाई हुई है उसका पूरा उपयोग करें। आत्मसाक्षात्कार को पा दी आप पाई ना क्या शांति मिल जाएगी जो आपकी अपनी इच्छा। बहुत से लोग शांति की बात करते हैं, क्या छोड़ शांति के स्थान बनाए, शांति के बारे में कहेंगे कि शांति का एक हमने बड़ा स्थान बनाया फाउंडेशन और अगर उनके पास जाएंगे तो खड़े नहीं हो सकते, इतने क्रोधी लोग होते हैं ऐसे लोग शांति जो लोग शांति की बात करते हैं उनके अगर उनके लिए शांति नहीं है तो वो क्या संसार में शांति स्थापित कर सकते, तो यह आपके अंदर की ये आपकी संपत्ति आपके अंदर की चीज है जिसे आपको प्राप्त करना है, उसे लेना देना आपके अंदर ये शक्ति जैसे कि एक बीज में उसकी खुदी खुदी सुंदर शक्ति होती है वो औषधि हो सकता है वो भी वो जीवन प्रक्रिया है, आप उसको जमीन में छोड़ दीजिए तो अपने आप ये जीवन प्रक्रिया है और इसी से ये सहज है सहज है सहज ही आपके साथ करवाने पड़ा ये जो प्राप्त अधिकार आप अंदर ही पैदा हुआ है जो कि आप मानव रूप में है वो ना कर उसकी जो पेशी बनेगी ये आपकी अपनी व्यक्तिगत रेप की एक मां है। जैसे इसमें कि एक कनेक्शन जरूर होता है बना हुआ उसी प्रकार के आपके अंदर सब के अंदर आपकी मां बसी और उसको आपके बारे में सब मालूम जैसे टेप रिकॉर्ड एक होता है उस तरह से आपके गुरु जन्म जिस जन्म बारे में सब जानती की मेरा भी और वो लाभान्वित है कि इसको इस बार प्रयोग कर दें और आपके साक्षात्कार गुरु जी। अब आजकल के सारे जमाने में जो सोचते हैं कि ये कौन सी बात है परमात्मा का नाम ही लोग नहीं सुना लेकिन परमात्मा है यही नहीं कि तू यह सृष्टि है उन्हीं का सारा चमत्कार है वही सबको समाप्त है इसकी सिद्धता भी सर जो की बात हो सकती है उससे पहले से बात बात है और बात इसलिए ये अनुभव आप सब लोग आज प्राप्त करें। एक ही का प्रोग्राम पहले जाते थी कि यहाँ इतने देरी लोग हैं इन्होंने तो बताया कि इस मॉल में सिर्फ 85 आदमी आने की मुश्किल हो गई तो मैं काफी उनके नाम ले जा रहा हूँ वहाँ और आप इतने इतने लोग हैं मेरे तो गर्व महसूस आ रहा है यहाँ इतने लोग हैं मैं किसी के लिए आपके पास आई
तो मैं आपके साथ जरूर काफी प्रक्रिया हुई और आप लोगों से पूरी बातचीत होगी और फिर आप लोगों को इसमें एक शिक्षक के तौर पर यहाँ पर शाला में देने बहुत काम किया और इस हरियाणा में इसी नाम इसका नाम था जिसको हरियाणा बना और इसी हरियाणा में आज ऐसे महानुभाव हो सकते हैं जो सारे संसार के लिए जा रहे हैं इधर कुछ जगह उनके चरण ये सब बेकार जब तक इन लोगों को यह अनुभव नहीं आएगा ये ऐसे ही चलेगा लेकिन आप लोग आपको साक्षात्कार हो जाए क्योंकि इसकी भविष्यवाणी जो देर हमने 1000 वर्ष तो से हो रही है रुको मुझे ने तक इस पर भविष्यवाणी किए कि सूर्य जो इस तरह से आएगा और बड़ा ये आनंद होता है कि इस तरह आश्चर्य चकित करने वाले इसके बारे में एक भाषण में मैं क्या आपको बता इसको तो अनंत भाषण में हिंदी में मिला है हजारों भाषण दिए हैं अंग्रेजी में मराठी में जैसे जैसे बन रहा हजारों के जो भाषण है लेकिन भाषण सुनने से तर्क वितर्क करने से जागरण हुआ इस बात की तो इधर तो बुद्धि का काम बुद्धि से परे गुंडली में जाना है छह चक्रों को पार करना है अंत में डबल रत्न देखना है उस गुंडली को इस तरह की तरह थोड़ी है कोई बड़ा हो उठा हो नहीं जैसा भी हो जब उसके अंदर एक शुद्ध इच्छा हो कि मेरा ये योग घटित होना है कुंडली काम कर रही है क्योंकि कुंडली ये शुद्ध इच्छा की शक्ति है शुद्ध इच्छा बाकी इच्छाएं मरे इसके आ जाता है एक मकान बना है फिर लगा वो कर ले फिर लगा कुछ कर ले कभी कोई रुक नहीं एक हमारे में शुद्ध इच्छा चाहे आपसे जाने या न जाने कि हमारा आत्म साक्षात्कार और उसके बाद इस तरह से हल निकल आते हैं आपको लगने ही लगता है कि आप परमात्मा के साम्राज्य में आ गए हर तरह से जब हर तरह से प्यार मिलता है हर तरह से सौंदर्य का होता है और मनुष्य आनंद के सागर में यही तो आप सब प्राप्त करें यही